सोमनाथ के मंदिर की जो लूटे गए वहां से लेकर आज तक कभी भी भारत को फजूल में धोखा नहीं दिया गया है, वहीं खामखा धोखा नहीं दिया गया है, हमेशा इसके लिए धोखा दिया गया है। अब यह समझ में आता है कि पिछले 8 साल में ये गतिविधियां भारत के खिलाफ क्यों बढ़ रही हैं और प्रथम दृष्टिया लगता है कि किसी दूसरे मुल्क का ये फायदा कर रहे हैं। पहले लगता था मोदी के खिलाफ है, लेकिन ये रिपोर्ट आने के बाद लग रहा है कि मोदी के खिलाफ तो है पर यहां चक्कर कोई और है। तो साथियों, आज बात करेंगे मीडिया स्कैम की, मीडिया वॉर की, जो चाइना ने अपने एक नुमाइंदे के जरिए भारत में, अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में एंड ब्राज़ील में जो चीज़ें अभी तक न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है उससे जो सामने आई हैं, जो ये फैला हुआ है, और इसमें एक इंडिया की वेबसाइट भी इन्वॉल्व बताई जा रही है, और ये भी बताया जा रहा है कि दुनिया के यूट्यूबर्स भी इसका पार्ट हैं, शेल कंपनीज इसका पार्ट हैं, एनजीओज इसका पार्ट हैं, जो पूरी दुनिया में चाइना के प्रोपेगेंडा को एडवोकेट कर रहे हैं, ऑयल कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं और इनडायरेक्टली उसी देश के अहित के बारे में काम कर रहे हैं, अहित के लिए काम कर रहे हैं जिस देश का कुछ लोगों ने पासपोर्ट ले रखा है। तो आज इसी बिंदुओं पर बात होगी। मेरा सब्जेक्ट नहीं है, पर जब मैं परसों इस चीज़ को मैंने इसको देखा तो इट वॉज इंटरेस्टिंग, तो मैंने कहा मैं इसको पढ़ूं और आसान भाषा में आप लोगों के सामने परोसूं। पूरा देखिएगा। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? अब यहां पर कुछ जाहिल भाई हमारे यही कहेंगे कि भैया मीडिया तो हर जगह का बिकता है, पर उन जाहिलों को ये नहीं पता कि यहाँ पर मीडिया को एक दुश्मन मुल्क खरीद रहा है। तो बात हो रही है नवील रॉय सिंघम की। ये वो शख्स है जो इस टाइम मीडिया के अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर बहुत ही चर्चित आदमी है, और बात करेंगे कि कैसे मिलियन एंड मिलियन डॉलर्स दिए जा रहे थे शेल कंपनीज को, एनजीओस को, मीडिया पोर्टल्स को पूरी दुनिया में, इसमें भारत भी था, भारत में, अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में, आपके ब्राज़ील में, और कैसे इन्फ्लुएंसर्स को जीता जा रहा था उस देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए और चाइना के फेवर में प्रोपेगेंडा करने के लिए। जैसे यूट्यूब पर इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि मैंने आपसे कहा कि आप श्री मंदिर ऐप को अपने पास इंस्टॉल करें, उदाहरण के लिए कह रहा हूँ। मेरे पास बहुत से गेमिंग ऐप्स आए, मैंने उनको मना कर दिया, तो एक तरह से हम भी इन्फ्लुएंसर हो गए। कोई कुकू को कर रहा है, कोई किसी को कर रहा है। इसी तरह एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, जी हाँ, पूरी दुनिया के एनजीओस को और यूट्यूबर्स को, मीडिया पोर्टल्स को, कि किस तरह से आप चाइना के लिए इन्फ्लुएंसर बनेंगे। जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक बहुत ही बड़े इंडिया के एक यूट्यूबर का एक प्रोग्राम देखा था, हाउ चाइना बिकेम अ सुपर पावर, अभी कुछ दिन पहले, 2-2.5 महीने की पहले की बात होगी। तो जब मैं इस चीज़ को रीड कर रहा था तो मैंने भी थोड़ा रिवर्स स्क्रोलिंग करी, तो भाई हाउ चाइना बिकेम अ सुपर पावर, ये भी आप एक तरह से भारतीयों के, और आपका चैनल सबसे ज़्यादा भारत में देखा जाता है यूट्यूब, फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, एक इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ आप लोगों को। तो साहब लोग देखेंगे हाउ चाइना बिकेम अ सुपर पावर, तो वो इन्फ्लुएंस होंगे। तो इस तरह के मीडिया पोर्टल्स को, यूट्यूबर्स को खास तौर से विदेश में इन्फ्लुएंस करने के लिए मिलियन एंड मिलियन डॉलर्स दिए जा रहे थे कि वो चाइना का प्रचार करे, और इसके पीछे था नवील रॉय सिंघम, जो मूलतः सिंघाई के बास्ट बेस्ड हैं, चाइना में बेस्ड हैं, पर पूरी दुनिया में उसका एक नेटवर्क माना जाता है एज इन्फ्लुएंसर कोऑर्डिनेशन का। तो साथियों, ये जो मीडिया वॉर है, ये वॉर ऑफ फॉल्स नैरेटिव है, ये वॉर ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन है, और ये मीडिया पीपल, ये मीडिया पोर्टल्स, ये एनजीओज, ये यूट्यूबर्स चाइना के एक तरह से पूरी दुनिया में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में इनके चाइना के फुट सोल्जर्स बनकर लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं दैट हाउ ग्रेट चाइना इज। एंड वन रिपोर्ट आई वॉज रीडिंग
कि चाइना पूरी दुनिया के रिपोर्टर्स को अपनिया इनवाइट कर रहा है, उन्हें रहने के लिए फ्लैट दे रहा है, व्हीकल प्रोवाइड करा रहा है, लग्जरी प्रोवाइड करा रहा है, स्टाइपेंड पैसा मंथली प्रोवाइड करा रहा है, और चाइना के बारे में वो अपने अपने पोर्टल्स पर पूरी दुनिया के सामने चाइना की एक तस्वीर पेश कर रहे हैं जो वाकई उन चीजों को छुपाती है जिसके लिए चाइना बदनाम है, जैसे लेबर राइट्स को लेके, और साथ साथ चाइना के सक्सेस को प्रोपोगेट करती है चाइना को एक सुपर पावर बनाने के लिए। जिस इन्वेस्टिगेशन में ये चीज सामने आई है वो कोई भारत में नहीं हुआ है या बीजेपी ने नहीं करा है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये इन्वेस्टिगेशन किया है, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने साथ में ये भी बताया है कि ये इन्फ्लुएंस अमेरिका में सबसे कम है, साउथ अफ्रीका में, ब्राजील में और इंडिया इसके चाइना के मुख्य टारगेट हैं, जो नवील रॉय सिंघम इस क्षेत्र में चाइना के इन्वेस्टमेंट्स या चाइना की इमेज को, एक इन्फ्लुएंस वॉर को उसी के नागरिकों के जरिए इन्फ्लुएंस कराने की कोशिश की जा रही थी मिलियन एंड मिलियन डॉलर्स खर्च करने के बाद। इस सिंघम ने चाइना में रहते हुए अमेरिका में एक कंपनी डाली थॉटवर्क्स, और इसका काम था एक सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करना, एक कलेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंस, एक प्लेटफॉर्म ऑफ इन्फ्लुएंसर्स जो ये पूरी दुनिया में घूम घूम के वर्कशॉप्स करवाते हैं, और सारे वर्कशॉप्स का एक मकसद होता था कि चाइना के प्रति एक इम्प्रेशन, एक नरेटिव, एक मिस इन्फॉर्मेशन चाइना के फेवर में पूरी दुनिया में क्रिएट करना, जहां जहां भी चाइना की गवर्नमेंट इनको ये काम करने के लिए आदेश देती थी। चाइना ने कम से कम 10-12 नेशंस के नाम आ रहे हैं जहां पे चाइना ने अपने पुलिस स्टेशन बना रखे हैं, जहां चाइना के लोग जो चाइना से भेजे हुए हैं वो उस कंट्री में रहते हुए चाइनीज लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और उनको ये बता रहे हैं कि अगर तुम इस देश में भी, अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीका में, ब्राजील में, इंडिया में अगर रह रहे हो, तो ये मत सोचना कि तुम चाइनीज गवर्नमेंट के, चाइनीज कैमरे की नज़र से दूर हो, यहाँ भी हमने तुम पर नज़र रख रखी है कि तुम यहाँ पर रहते हुए चाइना के लिए क्या अच्छा काम कर रहे हो और क्या बुरा काम कर रहे हो। न्यूयॉर्क टाइम्स के आंकड़ों के हिसाब से $275 मिलियन इसकी कंपनी ने, सिंघम की कंपनी ने, जिस कंपनी में ना ये ऑन पेपर CEO है, ना ये MD है, और ना ये बोर्ड मेंबर है, पर पूरी कंपनी को ये कंट्रोल करता है, $275 मिलियन इस कंपनी के थ्रू पूरी दुनिया में डोनेशन बटा है शेल कंपनीज को, NGOs को, यूट्यूबर्स को और मीडिया पोर्टल्स को। अब आती है बात भारत की। February 2021 में हमारी ED ने रेड की थी newsclick.com, एक पोर्टल था, न्यूज पोर्टल, उसको। इन लोगों का साथ में काम चाइना के सक्सेस को, चाइना की नीतियों को पॉजिटिवली प्रोपोगेट करना भी था, और साथ में इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करना, ऑपोजिशन ऑफ द एनी रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट को इन्फ्लुएंस करना, उस कंट्री में प्रोटेस्ट को इन्फ्लुएंस करना। अब आप लोग भी चीजों को जोड़ रहे होंगे कि ये चीज कितनी गहरी है, कितनी सिनिस्टर है, और कितनी देश के लिए घातक हो सकती है। और जैसा मैंने पहले भी एक बार बोला था कि मीडिया आज की लड़ाई में बहुत बड़ा हथियार है, जो हमारी सरकार को भी इस हथियार को अडॉप्ट करना चाहिए, इसको पैना करना चाहिए, इसको धारदार और नुकीला करना चाहिए। और न्यूज़ क्लिक पर जब February 2021 पर ED ने रेड की थी कि इसमें बहुत अननोन सोर्सेज से फंड्स आ रहे हैं इन ट्यून ऑफ अबाउट 30-40 करोड़ रुपीज, तो हमारी ओपोजिशन पार्टी, स्पेशली कांग्रेस, हमारी सरकार पर आरोप लगा रही थी कि मीडिया का गला घोटा जा रहा है और राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जा रहा है और देश में फ्री प्रेस को ख़त्म किया जा रहा है और तानाशाही इन्वॉल्व हो रही है। तानाशाही इस देश में अब डेमोक्रेसी की जगह
अपना सर उठा रही है, पांव पसार रही है। और आज न्यूयॉर्क टाइम्स ये रिपोर्ट दे रहा है कि यस, 275 मिलियन डॉलर्स के डोनेशंस इधर उधर पोर्टल्स पर गए हैं चाइना का की इमेज को, नरेटिव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और उस मुल्क में, उस देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए। newsclick.com जो पोर्टल था, ये सरकार के संज्ञान में कब आया था? ये सरकार के संज्ञान में फार्मर्स एजिटेशन के पीरियड में आया था। और जब सरकार ने इस पर एक्शन लिया, जिसका आज प्रमाण न्यूयॉर्क टाइम्स दे रहा है अपनी अपनी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के बाद, हमारा ऑपोजिशन हमारी सरकार का विरोध कर रहा था। जिस तरह बीबीसी में मैंने प्रोग्राम बनाया था, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता, जब बीबीसी किया इनकम टैक्स का सर्वे हुआ था, रेड नहीं हुई थी, सर्वे हुआ था, तो कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता बोल रहे थे, लोगों को किस्सा याद आ गया, ये प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है कि आप लोगों को याद दिलाए और आप लोगों को ये बताए कि कैसे किसके मुंह पर गीला जूता पड़ा है। तो ये किस्सा याद आ गया आप लोगों को, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, टाइम लगेगा। तो देखते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ताओं ने इस सर्वे पर, रेड और सर्वे का पहले फर्क बता दूं, रेड में रेडिंग पार्टी इनकम टैक्स की चाहे तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स, इक्विपमेंट, लैपटॉप वगैरह वगैरह, हार्ड ड्राइव सील कर सकती है, अपनी कस्टडी में ले सकती है, सर्वे में नहीं कर सकती है। सर्वे में जाकर सिर्फ उनके सिस्टम को, डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है कि सब चीज ठीक चल रही है, नहीं चल रही है। सरकार के पास कुछ जानकारी थी कि कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं, तो यह सर्वे हुआ। पहले देखिए कि विपक्ष के जो वरिष्ठ प्रवक्ता थी वो क्या बोल रही थी, पूरा किस्सा याद दिलाऊंगा और आज लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके आऊंगा। जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और गुजरात दंगों को लेकर कुछ सवाल उठाए जी, कुछ आक्षेप लगाए, उस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया, ठीक। लेकिन ठीक 29 दिन बाद, ठीक, चिरपरिचित स्क्रिप्ट के अंदाज में, ठीक, प्रधानमंत्री मोदी का सबसे प्रबल फ्रंटल इनकम टैक्स बीबीसी के दफ्तर आज इंडिया में पहुंच गया। कहते हैं रेड नहीं हुई, हमने सर्वे किया, आपने जो भी किया जी, आपने दुनिया को दिखा दिया कि आप वाकई में बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए, क्योंकि जो आपने किया है वो घबराया हुआ तानाशाही, तेरोशायरी से जो आपने किया है ये घबराया हुआ तानाशाही कर सकता है। उस पार्टी के लोग जो इंदिरा जी के टाइम पर बीबीसी को बैन कराने के लिए चिट्ठियां लिख रहे थे और 2 साल के लिए बीबीसी बैन हुई थी, वो मात्र बीबीसी ऑफिस के सर्वे पर कैसे बिलबिला रहे थे। तो इस प्रवक्ता को तो आपने सुन लिया, अब कांग्रेस के मैं मानता हूं सबसे वरिष्ठ प्रवक्ता को भी सुन लीजिए, देखिए कैसे इतरा के अपनी बात ओपन कर रहा है। देखिए जरा स्माइल देखिएगा, इसकी स्माइल देखिएगा, खुदा हर एक को अच्छी स्माइल नहीं देता है तो इसकी स्माइल देखिएगा और इसकी सब्जेक्ट को लेके अंडरस्टैंडिंग देखिएगा, इसकी नॉलेज देखिएगा। यह बंदा कांग्रेस का वरिष्ठ प्रवक्ता होते हुए क्या बोल रहा है यह सुनिएगा। बचते हैं, मैं तो कम से कम बचता, लेकिन एक शेर बड़ा पसंद, स्माइल देखो, स्माइल देखो इसकी, कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, वाह 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 वाह, चेहरे पे थी आईना साफ, हां हां, बड़ा थका हुआ शेर है मोदी जी, तो आईना साफ नहीं करते, तोड़ देते हैं। जी 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 जी, बीबीसी पर कल आपने देखा क्या, आ हा हा हा, सर्वे हो रहा है, आ हा हा हा, हमारे साहब को इतना नहीं मालूम बीबीसी कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है। हमारे साहब को ये नहीं मालूम कि बीबीसी का प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं है, ये विपक्ष का वरिष्ठ प्रवक्ता बोल रहा है। और मुस्कुराहट तो आप लोगों ने देखी होगी, माशाल्लाह, है ना। अब आगे चलते हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं बीबीसी के, हाँ हाँ हाँ, वो एक लाइसेंस फीस पोस्ट ऑफिस में जमा कराते हैं। बहुत अच्छे, पोस्ट ऑफिस वो लाइसेंस फीस जी बीबीसी को दे देता है जी, और उससे तनख्वाहें चलती, प्रॉफिट लॉस नहीं होता। सुना, और उस दिन मैंने अपनी रिसर्च करके बताया था कि प्रभु कैसी बात करते हो यार, बीबीसी एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, और मैंने उसके प्रमाण दिए थे। सोचिए, विपक्ष का, कांग्रेस का वन ऑफ द मोस्ट सीनियर, या कह सकते हैं नॉट वन ऑफ द मोस्ट सीनियर प्रवक्ता ये बोल रहा था कि जनाब हजूर को ये नहीं पता कि बीबीसी कोई प्रॉफिट थोड़ी लेती है, पैसा आता है जिससे तनख्वाह, पेट्रोल का पैसा, दफ्तर का किराया चला जाता है।
और 4 महीने पहले बीबीसी ने यह एडमिट किया कि हम अपने इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज करना चाहते हैं और कई करोड़ों की डिस्क्रिपेंसी को बीबीसी ने माना। अब आप लेटेस्ट आ जाइए, 2 दिन पहले आ जाइए, वो संस्था नहीं है, वो तानाशाह है, वो संस्था प्रॉफिट नहीं लेती है। आपने रुदाली कुमार का तो पूरा एनालिसिस 4 महीने पहले का निकाल के लाया हूं, 5 महीने का सुन लिया, अब आप लेटेस्ट सुन लीजिए क्या हुआ है। बीबीसी ने फाइनली एडमिट किया है कि हमारे इनकम टैक्स के रिटर्न में कुछ गड़बड़ियां थी और हमें अलाउ किया जाए 6 साल का रिवाइज्ड इनकम टैक्स फाइल करने के लिए। 40 करोड़ माना है, 40 करोड़ का गबन। उस दिन भी ये हमारा ऑपोजिशन बीबीसी के साथ खड़ा था जब रेड हो, जब सर्वे हो रहा था, और कुछ महीने बाद बीबीसी ने स्वयं माना कि भाई हमसे गलती हुई थी, हम कुछ अपने प्रॉफिट छुपा रहे थे, अंडरराइट कर रहे थे। और जब 2021 फरवरी में न्यूज क्लिक किया रेड हुई थी तब भी ये ऑपोजिशन सरकार का विरोध कर रहा था। इस बार इसका प्रमाण अगर न्यूज क्लिक से नहीं आया तो सीधे न्यूयॉर्क टाइम्स के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म से आ गया और बड़ा हल्ला मचा था 2021 में जब यहां पर ईडी रेड हुई थी। तो अब हम लोगों को कुछ समझ में आ रहा है, कुछ तस्वीर क्लियर हो रही है कि एक यूट्यूबर, बड़ा यूट्यूबर, स्क्रॉल करके देखिएगा, वो भी बाहर है, प्रोग्राम बना रहा है चाइना सुपर पावर कैसे बना। तो किस कुछ चीजें, कुछ डॉट्स ज्वाइन हो रही हैं जो हम लोग बार बार बैठ के ये सोचते हैं कि यार ये अजीब लोग हैं, ये भारती के खिलाफ काम कर रहे हैं, सरकार के काम खिलाफ करते करते ये भारत के खिलाफ हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि इनके अंदर क्या नियत नीति है, हम लोग बात करते हैं ना, तो वही चीज छोटी सी घटना से खुलनी शुरू हुई है। सोमनाथ के मंदिर की जो लूटे गए वहां से लेकर आज तक कभी भी भारत को फजूल में धोखा नहीं दिया गया है, वही खामखा धोखा नहीं दिया गया है, हमेशा इसके लिए धोखा दिया गया है, पहले अशरफियों के लिए, बाद में शेल कंपनीज के या एनजीओज में डॉलर्स आने के लिए। तो कुछ चीजें समझ में आती हैं कि कुछ लोग इस वक्त में पिछले 8-9 साल में इतना भारत के खिलाफ क्यों हुए हैं। पहले भी यह होता था, पहले भी यह होता था, पर कम होता होगा क्योंकि भारत चाइना को एज अ नेबरिंग नेशन टक्कर ही नहीं दे रहा था। सो चाइना वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड इन वॉट इज हैपनिंग इन इंडिया, मस्ट हैव बीन इंटरेस्टेड, लेकिन इतना नहीं जितना अब हो रहा है। अब यह समझ में आता है कि पिछले 8 साल में ये गतिविधियां भारत के खिलाफ क्यों बढ़ रही हैं और प्रथम दृष्टिया लगता है कि किसी दूसरे मुल्क का ये फायदा कर रहे हैं। ये सारा खेल फिलहाल $275 मिलियन का है और भी ज्यादा हो सकता है। ये तो वो है जो रिसर्च में, 8 महीने की रिसर्च में सामने आया है। सो इट इज हाई टाइम कि इस रिपोर्ट को सरकार संज्ञान ले। प्रथम दृष्टिया ये साफ नजर आता है कि देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा है, पहले लगता था मोदी के खिलाफ है, लेकिन ये रिपोर्ट आने के बाद लग रहा है कि मोदी के खिलाफ तो है पर यहां चक्कर कोई और है। जैसा 1000 साल पहले सोमनाथ मंदिर के लूटने में था, वही चक्कर आज है। पहले मंदिर लूट रहा था, अब देश या सरकार लूटने की कवायद चल रही है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।